हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ होंडा मोबिलियो के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसका इंजन टाइमिंग किस तरीके से आपको उसका इंजन टाइमिंग मैच करना होता है। तो जो सेम प्रोसीजर है वो सेम ही रहता है होंडा एमएज होंडा सिटी जो डीजल है आईडीटेक जो इंजन की टेक्नोलॉजी है। ओके, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस कार की इंजन टाइमिंग के बारे में डिस्कस। तो सुनो के लिए लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। ये कार है होंडा की मोबिलियो और जो प्रोसीजर है वो होंडा सिटी और होंडा अमेज दोनों के लिए सेम रहता है। तो तीनों गाड़ियों में जो इंजन है वो सेम है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस कार की इंजन टाइमिंग के बारे में। ओके, तो इस कार में जो इंजन टाइमिंग है वो किस तरीके से आपको फिटिंग करनी है। तो इस कार में हम कर रहे हैं इंजन ओवरऑल। तो ये है इस कार का कंप्लीट इंजन। तो अभी हम इसमें फिटिंग कर रहे हैं इसकी न्यू टाइमिंग चेन किट। तो ये है इसकी कुछ चेन गाइड और ये है इसकी कुछ पुरानी टाइमिंग चेन। ओके, जो कि हम रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि इंजन ओवरऑल के टाइम पे कुछ चेनें जो होती हैं वो रिप्लेस करनी चाहिए क्योंकि ये गाड़ी भी लगभग 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इंजन ओवरऑल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इस इंजन ओवरऑल का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो इस इंजन ओवरऑल में हम कर रहे हैं इस कार की टाइमिंग चेन किट रिप्लेस। तो ये है इसकी कुछ पुरानी चेन गाइड और यहाँ पर हमने फिटिंग की हुई है इसमें न्यू टाइमिंग चेन। तो ये है इसकी टाइमिंग चेन। तो यहाँ पर इसमें जो टाइमिंग चेन होती है वो तीन होती है टोटल। तो एक टाइमिंग चेन आपको फिटिंग करनी होती है ऑयल पंप से क्रैंकशाफ्ट, यानी कि ये क्रैंकशाफ्ट से ऑयल पंप के लिए होती है तो इसमें भी आपको टाइमिंग मिलाना होता है। और दूसरी जो टाइमिंग चेन है वो है क्रैंकशाफ्ट से लेकर के हाई प्रेशर पंप के लिए और हाई प्रेशर पंप से जो टाइमिंग चेन है वो है इसके सिलेंडर हेड कैमशाफ्ट के लिए। तो क्रैंक ऑयल पंप से क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट से हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप से सिलेंडर हेड कैमशाफ्ट। तो इसमें आपको किस तरीके से टाइमिंग मिलाना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो टाइमिंग है इंजन का वो कुछ इस तरीके से मिलाना है। यहाँ पर आप ये डॉट देख सकते हैं, ये छोटा सा जो डॉट है इस डॉट को आपको लेना होता है ये पीछे जो एरो है इस एरो पर। ओके, तो जो क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग है वो इस जगह पर है। तो यानी कि इस समय जो पिस्टन है इसका वो टॉप डेड सेंटर पर है यानी कि टीडीसी पोजीशन पर, और जो क्वार्टर पिन है ये आपको टीडीसी पोजीशन पर रखनी होती है टॉप डेड सेंसर पर। ओके, और इसका जो मेन दूसरा टाइमिंग चेन है ये आपको इस तरीके से फिटिंग करना है। तो इसको फिटिंग करने के लिए ये आप देख सकते हैं इस पर जो कलर कोड दिया हुआ है वो इस जगह पर है। तो कलर कोड को आप इस साइड रखेंगे। हाई प्रेशर पंप से जो कैमशाफ्ट टाइमिंग कैमशाफ्ट के लिए टाइमिंग चेन गई है उस पर भी दो निशान दिए हुए हैं पिंक कलर के। तो ये दोनों निशान आपको इन दोनों लाइनों पर रखने हैं। तो अभी हम मिला देते हैं इस कार की टाइमिंग और इस तरीके से आपको उसका टाइमिंग मिलाना है। तो अभी हम इस कार का जो टाइमिंग है उसको मैच करके फिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसका इंजन टाइमिंग जो है वो मैच किया हुआ है। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ताकि अभी हम आपको बताने वाले थे इसके इंजन टाइमिंग के बारे में। तो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली फिटिंग कर दी इसकी चेन गाइड और टाइमिंग चेन। तो ये सभी टाइमिंग चेन हमने इस जगह पर फिटिंग कर दी है। तो सबसे पहले आपको इसका ऑयल पंप का टाइमिंग मैच करना है। तो जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको इस तरीके से मैच करना है, ये दोनों पॉइंट ऊपर, ये दोनों कलर, और ये वाला जो मार्क है इस वाले को इस पॉइंट पर लेना है और सामने आपको इस एरो पर लेना है। ओके, और जो टाइमिंग चेन का अंदर वाला पॉइंट है वो जगह रहना है और इस जगह से घुमाते हुए आपको यहाँ पर लेना है। ओके, ये दोनों पॉइंट पर जो इसके अंदर इंटरनल जगह पर ये दोनों पॉइंट है, और जो ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट को आपको इस वाले एरो वाले पॉइंट पर लेना है क्योंकि ये दो जगह पॉइंट है लेकिन एक जगह लाइन है। तो ये लाइनिंग वाली पॉइंट पर आपको ये कलर कोड लेना है चेन का और इस तरीके से आपको मैच करते हुए ये ऊपर के दोनों पॉइंटों पर इसका कलर लेना है। तो इस तरीके से आपको इसकी टाइमिंग चेन फिक्स करनी है। तो ये था इसका क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग जो कि इस एरो पर इस कलर कोड को लेना है और इस पॉइंट पर आपको इस कलर कोड को लेना है जो कि है ऑयल पंप का टाइमिंग। और यहाँ पर जो दोनों कलर कोड है ये आपको इन दोनों पॉइंटों पर लेना है और हाई प्रेशर का जो टाइमिंग था वो इस जगह पर है इस जगह से। ओके, तो ये जो एरो था ये इस वाले पॉइंट पर आ गया और ये दोनों कलर कोड इस जगह पर, और ये वाला जो टाइमिंग चेन है ये वाला ये लाइनिंग वाले पॉइंट पर आ चुका है। तो इस तरीके से है इस कार का इंजन का टाइमिंग। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।